11 सितंबर को क्या हुआ था? क्या हसी रात हो ना हो। 1998 में एटमी धमाके हुए थे 11 सितंबर वाले दिन। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद जुनेद शाह, आप देख रहे हैं पाक व्लॉगर्स यूट्यूब चैनल। जी आज मैं जिलानी पार्क में आया हूँ, मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पे मैं लोगों से सवाल करूँगा, एक 11 सितंबर के बारे में पूछूँगा कि उस दिन को क्या हुआ था, और उनके जवाब सुनेंगे मज़े मज़े वाले और आपको भी इंजॉय कराएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा आज हमारा ये सवाल ये है, 11 सितंबर को क्या हुआ था? क्या 11 सितंबर को क्या हुआ था, ये कैसा क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन मेरे साथ ना प्लीज करें, कोई जो है ना फन वाला क्वेश्चन करें ना। देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ठीक है, और ये देखें चश्मा, चश्मा ही कहते हैं ना इसको, हाँ चश्मा बह रहा है पानी। देखें 11 सितंबर को पता क्या हुआ था? क्या हुआ था ये ना बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जो कि ना हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है ना। यानी पाकिस्तानी अवाम बहुत ही कम है जिनको। क्यों नहीं पता आपको ये क्वेश्चन, क्यों नहीं पता? आपने पढ़ा नहीं है, पाक स्टडी नहीं पढ़ी आपने? मुझे तो पता है ना, बताएं फिर। ले मैं बता तो रही हूँ, खुद माइक में बोलने लग जाते हो। अब मैं ये बताती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारी पाकिस्तानी अवाम को जनरल नॉलेज ज़्यादा नहीं पता होती, ठीक है ना। पाक स्टडी बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो मेरी भी फहरिस्त में उनका नाम शामिल किया जाता है, ठीक है, मैं भी उनमें शामिल होती हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं आते। बट 11 सितंबर को मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या हुआ था। बताएं क्या हुआ था 11 सितंबर को, पता नहीं क्या हुआ। दो रुपये मुँह फिर आपका। पर जो भी हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, मैं पैदा हुई थी तो इसलिए वो तरीकी दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। अब जिन लोगों को नहीं पता वो भी ये जान लें, 11 सितंबर को मैं पैदा हुई थी इसलिए ये तरीकी दिन। आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं सॉन्ग शेयर करना चाहती हूँ। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में, माइक तो ऊपर करें, मुलाकात हो ना हो। चलो बस करें, अब सौदा खुला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक, आप सुनाएं। आपका नाम? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे आप क्या करते हैं? मैं फर्स्ट ईयर के भी पेपर दे के फ्री हूँ। तो आगे क्या प्लान है? आगे मैंने आईटी इंजीनियर बनना है। आईटी इंजीनियर करनी है, कहाँ से करनी है? ये यूसीपी से। यूसीपी से, अच्छा। और आपका नाम? मोहम्मद इजलाल मसीम। आप क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं अभी। आप भी इनके साथ ही हैं? जी, क्लास फेलोज। दोनों क्या लगते हैं? दोस्त हैं, मतलब अच्छे भाई हैं जैसे। सही, आप इनके साथ ही रहते हैं घर आसपास हैं? जी घर साथ साथ ही है, बचपन से साथ हैं। सही, तो अब आपका भी आईटी का ही प्लान है? आईटी का ही प्लान है आगे, अभी तो पंजाब कॉलेज से पढ़ने। यूसीबी में? नहीं, पीयू का सीन है इंशाल्लाह। हमारा सवाल ये है आपसे कि 11 सितंबर को क्या हुआ था? कायद आजम की डेथ हुई थी। अब आप क्या शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस को? देंगे आप हमें इनाम? नहीं है अभी, कोई बात नहीं, अभी हमने जो चैनल है ना हमने स्टार्ट किया है इसलिए इनाम नहीं है। ठीक है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ठीक है। आईडी मेंशन में आपको बता दूंगा, आप कर दीजिएगा अपने अकाउंट पे ब्राउनी मुंडा 320, ठीक है। इनका चैनल है, इनको भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? हाँ भाई जनाब, सुनाए कैसे? मैं भी ठीक ठाक शुक्र है अल्लाह पाक का। कैसे आना हुआ यहाँ पे? बस यार आज मौसम अच्छा था और फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ निकले हैं घूमने के लिए। ठीक है, ये कौन है? ये भांजा है मेरा माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। तो आज हमारा ये सवाल है आपसे कि 11 सितंबर को क्या हुआ था? 11 सितंबर को क्या हुआ था? 1998 में एटमी धमाके हुए थे 11 सितंबर वाले दिन। 11 सितंबर वाले दिन 1998 को धमाके हुए थे, चागी के मुकाम पर धमाके किए थे और ये मिशन हमारा कामयाब हुआ था और बस यही है। इसके अलावा कुछ और भी हुआ था? इसके अलावा याद नहीं अभी कुछ मुझे। कुछ नहीं, कोई आइडिया? नहीं, कोई आइडिया?
मैंने अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था। कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? शेयर ये कि कोरोना की वजह से जो हालात चल रहे हैं बहुत मुश्किल है, रोज़गार बहुत कम हो गए हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो यूनिवर्सिटी वगैरह में भी बहुत सख्ती कर दी गई है, वैक्सीन अलाउ कर दी गई है और वैक्सीन लगवानी चाहिए वैसे तो, मगर इतना भी अगर हमारे साथ कोई कज़न वगैरह वो अंडर 18 है तो उनको भी कहते हैं जी वैक्सीन लगवाओ, और पेट्रोल वगैरह लेने जाओ उसमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है हमें, बाकी ठीक ही चल रहा है सब कुछ। क्या नाम है आपका? शादाब। क्या करते हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? इंटवान। तो क्या करने आए हो यहाँ पे? झूले लेने। झूले ले लिए? अभी नहीं लिए। झूले नहीं लेके दिए आपने बच्चे को अभी तक? सुनाएंगे नात? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, और इस कदर दिया जाता है देने वाला, इस कदर दिया जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम। जी आप आज कैसे यहाँ पे? बस वैसे मौसम इंजॉय करने आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कहाँ से? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, PTUT से। सही। अच्छा हमारा सवाल ये है कि 11 सितंबर को क्या हुआ था? 11 सितंबर को कायद अजम की डेथ हुई थी, हमारे जो लीडर हैं ना उनकी डेथ हुई थी। आप क्या शेयर करना चाहेंगे? शेयर आवाम के साथ मैं यही करना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन के हवाले से लोगों में गलत फहमी हो रही है वो ये बात सही नहीं है, वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि मैंने तो वो दो डोज लगवा ली हैं, तो मेरी तो राय यही है कि सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। इसके साथ कोई फीवर वगैरह नहीं होता, तो कोशिश यही करें कि सारे वैक्सीन लगाएं और जितना हो सकता है कि कोरोना से बचा जा सके। बस जो इन्होंने शेयर किया है बहुत अच्छा शेयर किया है, इन्होंने कोरोना वैक्सीन के हवाले से बताया है, बिल्कुल लगवानी चाहिए, जिन्होंने नहीं लगवाई वो जल्दी से लगवा लें ताकि उनकी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहुत